मैं हूँ राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं पंडुखर अपडेट। और पंडुखर में आए दिन लोगों से हम बात करते हैं। कहाँ से आ रही हैं? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से आई हैं, आपका क्या नाम है? शालिनी। शालिनी, शालिनी जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के? मैंने जो रात से और अब तक देखा है, इतना ही देखा है कि महाराज जी की कुछ तो कृपा है पंडुखर महाराज जी की, तभी पब्लिक इतनी यहाँ पर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि पब्लिक को इतना टाइम ही नहीं है कि कोई अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ तक आए। कुछ तो है जो यहाँ 10 दिन दे रही है, 1 हफ्ता दे रही है, 4 दिन दे रही है, कुछ तो है। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं MA। या MA किया तो आप इन चमत्कारों में विश्वास करती हैं? पहले नहीं था, सच में पहले नहीं था और कल तक भी नहीं था। मैं कल रात जो मतलब मैंने देखा अपने आँखों से, उसके बाद हाँ, उसके बाद लगा कि हाँ भाई कुछ तो है। तो आप जिस सवालों को लेकर के आएंगे वो तो आपके मन में होंगे? बिल्कुल। मुलाकात अभी हुई नहीं? अभी कुछ नहीं हुआ। मेरा ये मैं कहूँगा आपसे मुलाकात होने के बाद ही किसी से आप डिसाइड करें, जब तक अपने सारे प्रश्न अपने पास रखें। मीडिया वालों को भी मत बताएं। मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी। किसी को भी नहीं बताऊँगी। और आपने देखे होंगे बहुत सारे बाबाओं के आए दिन राज खुलते रहते हैं TV पर, आपने भी सुने होंगे बहुत सारे, जैसे राम रहीम, आसाराम बापू, तमाम सारे संत हुए हैं। अलग है वो चैप्टर, ही अलग है ये, अलग है कुछ। वो तो देखो एक जो कहते हैं ना, वो गोपियों के भक्त हैं, ये गोपियों के भक्त नहीं हैं, ये पब्लिक के भक्त हैं, ये अपने भक्त हैं, इनका अलग है कुछ, उनमें इनको कंपेयर मत करो। दूसरा, यहाँ पर जो जिस तरीके से जो पैसे लगते हैं, आपको लगता है ये सही है? देखो पब्लिक की सेवा के लिए भी तो चाहिए ना उनको, वो अपनी जेब से थोड़ी ना लगाएंगे, तो एक तरह से सही भी है। सब कुछ मतलब पब्लिक के लिए सुविधा दे रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं सुविधा आने वाले टाइम में पब्लिक को ही फायदा होगा। कुछ सुझाव देना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्था? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी, जितना टाइम अब लग रहा है ना हमको, बस वो कम लगना चाहिए, बस यही कहूँगी मैं तो। नंबर जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए नंबर, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। आपको लगता है कि लाखों की तादाद में लोग आते हैं, देखने वाला व्यक्ति एक ही है, तो संभव हो पाएगा क्या? महाराज की कृपा रही तो जरूर होगा। एक एक दिन में तो नहीं, पर जिस तरह से मतलब वो पर्ची कटवाते हैं, शायद उसमें कुछ ना चेंज आए, कुछ तो चेंज आए, ये उम्मीद जरूर है। फ्यूचर को देखा जाए तो किस तरीके की आप आशा करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि जिस दिन मैं पर्ची कटवाऊँ उसके दूसरे दिन ही मेरा नंबर आ जाए, और पब्लिक को, हर पब्लिक को सुविधा मिले कि उसका नंबर दूसरे दिन आए, और आने में भी दिक्कत ना हो, जाने में भी दिक्कत ना हो पब्लिक को। ये आपको 2 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, इन 2 दिन के अंदर व्यवस्थाओं को देखकर कोई परेशानी हो रही है? वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सुरक्षा को लेकर नहीं, ऐसा कुछ डर नहीं है यहाँ पर, बेफिक्र हो के यहाँ पब्लिक रहती है, रात में खुले में रहती है, कोई डर नहीं है। सामान चोरी होने का डर? मैं भी अभी तक तो नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शालिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कहाँ से आई हैं? मेरठ से। शालिनी जी से बात हो रही थी, हमने तमाम सवाल इनके सामने रखे हैं और सारे सवालों का जवाब पॉजिटिव इन्होंने दिया है, बस एक ही बात इन्होंने की है कि नंबर जल्दी आ जाए, तो इसके लिए भविष्य में क्या व्यवस्था सुधार होगी ये तो देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार। बहुत बहुत किरण शर्मा, किरण शर्मा जल्दी आ जाइए। आप जल्दी आ जाए, कोई है तो हाथ उठाए। एक तो आप जब मैं बोलता हूं तब खड़े होते हो आप लोग। अरे इनमें किरण शर्मा कौन है भाई, उनको आगे कर दीजिए, एक व्यक्ति आ जाए। चलो आ जाओ, कौन कौन है, आ जाओ, भेजो। कहां से आए आप लोग? ये साथ में आपके आइए। बैठ जाइए, बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलिए श्री अतिवान जी महाराज की। पास में आए, पालते करके बैठ जाइए। ये क्या ले रहे हो? बहुत सारा पैसा है तो काय के लिए दे दिए? ऐसे दे दिए, माइक से बोलिए काय के लिए दिए? आपके शरण में है प्रभु, ऐसे भी तो ये मांगे किसने? किसी ने नहीं, ये तो प्रभु शरण में दान दे रहे, श्रद्धा दे रहे हो। लो भैया दान पात्र डाल दो। सुनाओ कहाँ से आए, बोलिए। यूपी से, संबल जिला संबल से। अच्छा, संबलपुर कहाँ पड़ता है? संबल डिस्ट्रिक्ट यूपी, उत्तर प्रदेश। अच्छा यूपी जिला है। अच्छा आप कौन है? बेटी हो?
क्या पूछने आए बताइए, माइक से बोलिए, बगैर माइक से। जीभ में दिक्कत है, ऑपरेशन भी हो गया है। जीभ का ऑपरेशन हो गया जी? अच्छा, और इसमें बहुत दर्द। क्या बताया डॉक्टर ने? कैंसर? जीभ भी काट दी? हाँ। और बहुत दर्द रहता है, स्पीड बहुत परेशान। ऑपरेशन कब हुआ माता जी? अगस्त में। अच्छा, इधर से खाया कुछ नहीं जाता। अब हमने ये लिखा सुने, लड़की क्या समस्या बताओ, क्या समस्या है, क्या बीमारी है? माइक से बोलिए, आप शांत रहिए, उससे पूछ रहा हूँ क्या दिक्कत है। पहले तो मैं माफी चाहती हूँ अपनी गलतियों की। और तो क्या आप यूट्यूब देखते हो पंडो सरकार का? क्योंकि आप माफी मांग रही हो ना। हाँ, मैंने देखा था। तो माफी में और बहुत कुछ होता है। मैंने वो नहीं देखा, मैंने कुछ वीडियो देखी है। कान पकड़ के बैठते लो, मैं कर लूंगी। तो चलो छोड़ दिया हमने, बोलो क्या बात है। बस आपको तो सब पता ही है। मैं बोलना चालू करूँ? सुनोगी? आप सहमत रहेंगे? इनने कहा कि आप बताइए, हमने गलती बहुत की है, तो बताना चाहिए कि नहीं? बताइए, जब इन्हें बताने की शब्द कही तो बताना चाहिए ना। कि मैं चलता हूँ, सुनिए। सबसे पहले मैंने लिखा है, थोड़ा पास में आइए, और इतने ये नंबर पर छाया करें कि लोग हमसे दूर बैठे। आप लोग देखा करो, समय से पहले जब आया करो, ये नहीं कि हम आ जाते उसके बाद आप व्यवस्था बनाते हो। सुनिए, जॉब में जीभ में कैंसर रोग है, प्रेत बाधा है। कहां लिखा है तुमने? पढ़ने में आ रहा है? किरण शर्मा के पति का नाम लोकेंद्र है, कीलक चक्कर है, किया गया है, और यह मारण तंत्र ब्रह्म राक्षस के साथ में मनसाराम अघोरी को कील के बैठाया गया है और गर्भाशय पर कीलक किया गया। क्या किया गया है? अच्छा, पहले मिल चुके हो, देखा देखो ना ना ना, चार अमोस तो आपने क्रॉस करने के लिए आए पूछन? नहीं नहीं, आप समझ में आ गई? बेटी के लिए आए तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं थी। पर जो हम पहले लिख चुके हैं, हम वही बोलेंगे, दुनिया कोई भी आ जाए, हम नहीं बदलते। सुनिए, ये प्रकरण, ये केस, ये बीमारी पुनः हो सकती है, सो तत्काल लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है, और थोड़े ही लाभ इलाज से लाभ मिल जाएगा, आशीर्वाद। पंडो कैसे कर, पांच मोस्ट करें। आपका नाम क्या है? माइक से बोलिए। वैसे लवली है और अनुष्का। अच्छा, हमने लिखा है लवली नाम है और उपनाम अनुष्का है, कहाँ लिखा है? और आप शिवम से प्रेम प्रसंग में फंसी हुई है और इसी चक्कर में आपने गलती को स्वीकार किया है, आपके ऊपर मोहिनी वशीकरण है और मुस्लिम के द्वारा भी चक्कर किया गया था, उसी कारण से आपका दिमाग उच्चाटन रहता है, यानी कसाई मुस्लिम नट के द्वारा ये आपके घर में उच्चाटन तंत्र किया गया है, जिसके कारण आपका माइंड ब्रेन गंदे कार्य की ओर प्रेरित स्थिति बनती है और आप दूषित हो जाती हैं। बोलिए एस एन ओ। हाँ जी। कुछ और आगे बोलूं? तो क्या शादी करना चाहती हो? किससे शादी करना है? अब तो जो पापा करेंगे वो ठीक करेंगे। हाँ जी। तो जाओ, ऐसा ही हो जाएगा, आशीर्वाद है। अब तुम्हारी भी ताकत हो तो करके दिखा दो आप, और इन्हें छुट्टर छोड़ देना, उनको बैग दे देना, शादी हो जाए तो मेरे से कहना, और करके दिखाए कौन लगा कर रहा है इनसे, ठीक है ना? जिनने एक दरबार के सामने कहा, जो माँ बाप कहेंगे वो करेंगे, और वो ही होगा, अब दूसरा नहीं होगा। आशीर्वाद है। चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे, चलिए फोटो। कहाँ हो रहा दर्द? पीठ में हो रहा है, माइक दो उनको, मम्मी को। कहाँ हो रहा दर्द? बैठा नहीं जाता बिल्कुल ही। अच्छा, बस हाथ मत फेरो। अब बताओ दर्द कहाँ हो रहा है? अभी स्टैंड नहीं है। माइक से बोला, स्टैंड नहीं है। वहां तो मैं बहुत परेशान थी। बैठ, उठो बैठो, उठो बैठो, लगाओ कसरत। दर्द हो रहा है क्या? नहीं, नहीं। तो जाओ मस्त रहो, आनंद करो। जो बीमारी तो पूरे डाटा समाप्त।
चलो भगो, चलिए इसके बाद सब अनसंट काम बंद कर दो, नहीं तो सब परेशान हो जाओगे, ठीक है। और पंडों का दाम 5 अमावस्या करो, और सुबह सुबह हनुमान जी मंदिर में अपने हाथ से शुद्ध कपड़े से पोंछे लगाना, झाड़ू मार देना, और घर पे भी जो पास में मंदिर हो तो अपने कपड़े से पोंछा करो, और भाई पाला ले करो, लाभ हो जाएगा। जाओ, हम जो कह रहा तुम रोज कर दो, लेकिन हम जो कह रहे वो करो, ठीक है। तुम तो रोज कछु करते हो, चलो भागो, कह रहा हम रोज करते हैं, नहीं मंत्र मंत्र नहीं, वहां पूछो, चलो वहां पूछो, मुकेश जी से पहुंचिए जी, अभी यहां ना छोड़ो कपड़ा, जल ले जाओ। अरे काऊ को भी हो तो छोड़ देना। बोलिए पंडोकर सरकार की। पंडोकर धाम में 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक श्रीराम महायज्ञ एवं सांस्कृतिक मेले का होगा आयोजन, जिसमें संजीवनी मेडिकेयर एवं मेंटलिटी सेंटर द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संस्थापक डॉक्टर संदीप पांडे MBBS। पंडोकर धाम का पता तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश में विशाल श्रीराम महायज्ञ का आयोजन।